मेरा कि मेरा सवाल देश के ऊपर है कि हमारी पार्टी माननीय मोदी जी कहते हैं 370 हटाएंगे, 35 की बात करते हैं, ये कहते हैं मेरा पीएम बनेगा, मैं गठबंधन सरकार बनाने जा रहा हूँ, इनका व्यू क्या है 370 और 35 ए पर? ये इन्होंने कभी कोई बात नहीं करी इस बारे में, तो ये देश की बात नहीं करते हैं, खाली अपने मतलब की बात। चलिए ठीक है, तीनों से इस पर एक एक बयान ले लेते हैं। आपसे शुरू करते हुए सुचिव, वो कह रहे हैं आर्टिकल 370 पर और 35 ए पर कांग्रेस पार्टी की क्या राय है? देखिए, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आधारभूत धरातल पर, जिस देश में बिलो पॉवर्टी लाइन 23% लोग हैं जिन्हें फूड और शेल्टर भी मुहैया नहीं है, उस विषय पर ले जाकर देश को आक्रामकता की आग में झोंक देना और राष्ट्रवाद और सेना के नाम पर चुनाव लड़ना, तो आप पर्टिकुलर विचारधारा से प्रेरित हैं, आप उसका सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे लिए देश और देशवासी सर्वप्रथम है। 370 और 35 पर बोलने में आपको डर लगता है? नहीं, डरने की कोई बात नहीं, लेकिन आप उसके खिलाफ बोल सकते हैं जो महत्वपूर्ण है, आप उसके खिलाफ बोल सकते हैं, सारी चीजें हैं जो महत्वपूर्ण है। जनता को फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए, रोजगार चाहिए, जो लोग गरीबी हटाओ कह रहे थे वो 370 में देश को उलझा रहे हैं। प्लीज आप लोग चुप हो जाइए, प्लीज प्लीज। देखिए अंजना जी, ये भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित साथी ने एक बात कही, आर्टिकल 370 और 35 से छेड़छाड़ करना गलत है या सही है? कहा कि देश की बात कोई नहीं करता, अगर हम किसान की बात करें तो देश की बात नहीं है, हम बेरोजगार की बात करें तो देश की बात नहीं है। अरे ये तो हो गया इमोशनल डायलॉग, से फिल्म थोड़ी चल रही है। इमोशनल नहीं, इन्होंने अभी भारतीय जनता पार्टी के माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम नौकरी देना चाहते लेकिन पात्र नहीं है, यही बात योगी आदित्यनाथ जी ने कही थी, कहा कि हमारे पास नौकरी है, लायक लोग नहीं है। अगर ये लायक नहीं है तो मुझे लगता है कि यही लायक लोग नालायक सरकार को हटाएंगे। आप भी बचे 370 और 35 पे बोलने से। हम देश के किसी अच्छे मुद्दे से नहीं बचना चाहते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आखिर जब किसी भी मुद्दे पर फंसती, भारत माता की जय, हमने कहा भारत माता की जय, वो कहे वंदे मातरम, हम कह रहे हैं वंदे मातरम, इन्होंने कहा ना, अब हम कह रहे हैं इस देश का जो पहला आतंकी था नाथूराम गोडसे, मैं कह रहा हूँ नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, बोल के दिखाए मंत्री जी नाथूराम गोडसे, और नाथूराम गोडसे कोई ऐरा गहरा आदमी नहीं है, आजाद भारत का पहला आतंकी जिसने महात्मा गांधी की हत्या की, बोल के दिखाएं, बताओ कहां गए राष्ट्रवादी लोग, बोलो नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, अगर आप में है राष्ट्रवाद तो बोलो नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, बोले आप, बोलिए, अरे अरे बोलिए नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, ये राष्ट्रवादी लोग हैं, ये नकली लोग हैं, इनका इतिहास पढ़िए, आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों की दलाली करते थे ये लोग। अरे इसका बात मतलब करते हैं, आप हाथ पकड़ के किसी को हिलाने लगे खान साहब जी, बताइए आर्टिकल 370 और 35 ए पर क्या स्टैंड है बीएसपी का? 2000 क्लियर कीजिएगा, आप भी डर जाइएगा बाकी दोनों की तरह। मेरी बात, 2014 के चुनाव में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो मैनिफेस्टो जारी किया था उसमें कहा था ये तीन धाराएं, इन्होंने तो जाके मुफ्ती साथ 3.5 साल सरकार चलाई। अरे हम आपसे आपके बारे में पूछते हैं, आप उसका सवाल जवाब देने लगते हैं। सवाल पूछ रहा हूँ यही कि इनको आपको जो क्वेश्चन पेपर आया उसका जवाब दीजिए। ये जातिवाद की बात करते हैं, वो हमने उनसे पूछ लिया, नहीं पूछ तो लिया कि ये मौका परस्त है, मौका परस्त है, हाँ मौका परस्त है, हम खुद अब ये संविधान का मामला है, देखिए संविधान में जो लिखा हुआ ऐसा है, देखिए संविधान के सुनिए, आप बोलिएगा हिज नेम इज मोहसिन रजा, ये कैसा जवाब है, संविधान में है कि नहीं है? क्वेश्चन पेपर तो पढ़िए सर, अब सुनिए, अच्छा 35 धारा संविधान में है कि नहीं है, संविधान के खिलाफ है? हाँ तो बोलिए ना, क्या संविधान में है कि नहीं? मैं कह तो रहा हूँ संविधान को अगर बदलना है, इनको तो बदल नहीं है, देखिए इनको बदल नहीं आता, ये 70 पे कभी नहीं बोलेंगे क्योंकि इन्हें खाली उत्तर प्रदेश की राजनीति करनी है, इनको खाली उत्तर प्रदेश की राजनीति करनी है, देश की जिसे राजनीति करनी है वो इस पर बात करेगा, ये किस मुंह से बात करेंगे, ये नहीं कर सकते, सबको बना दिया ये उत्तर प्रदेश देश का हिस्सा नहीं है क्या, आने की राजनीति नहीं, उत्तर प्रदेश देश का हिस्सा नहीं है क्या, नहीं आप बताइए उत्तर प्रदेश देश का हिस्सा है या नहीं, ये यहां पर खड़े समाजवादी बात कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं, इनका ही नारा था कि चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगा दे हाथी पर, यही कहते थे आज साथ साथ है, अब आप इनसे जवाब मांगिए, ये 370 पे बोल ही नहीं सकते, ये बोल नहीं सकते 370 पर, ये क्या बोलेंगे, अच्छा मैं तो प्रभावित रहा नहीं आया, सैकड़ों लोगों का कत्ल किया, यही गुंडे हैं, इन्हें वही गुंडे हैं जिन्होंने, जिनको हमने ये नारा कुछ नहीं कर सकते, नहीं है इन्होंने किसी नेता नारा नहीं दिया है देश में, और ये आम जनता का नारा है।